हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 के फोर्थ चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स का हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं आर्हेनियस इक्वेशन का। तो किसी ने पूछा अभी 4.29 का क्वेश्चन, 4.29 में क्वेश्चन क्या है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट 298 केल्विन इज इक्वल टू दैट रिक्वायर्ड फॉर its 25% completion at 308 Kelvin. If the value of A is 4 into 10 to the power 10 per second, calculate K at 308 Kelvin and EA. तो देखिए जो पहला क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, एक हो रहा है आपको 298 केल्विन पे, ठीक है, 10% कंप्लीट हो रहा है, जितना टाइम लग रहा है, मान लो हम समझाने के लिए कह रहे हैं 2 आवर्स लग रहा है, उतना ही टाइम 308 केल्विन पे लगता है 25% कंप्लीट होने में, 2 आवर, ठीक है। क्वेश्चन पहले आप समझ गए, 298 केल्विन टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर ज्यादा है, 10 केल्विन ज्यादा है, तो आप इसका थ्योरेटिकल पार्ट भी पढ़े होंगे कि जब 10 डिग्री भी टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट क्या हो जाता है, डबल और ट्रिपल, यहां समझिए हो रहा है 2.5 गुना ज्यादा। तो खैर उससे भी मतलब नहीं, आपको यह समझना है कि 298 केल्विन पे 10% कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है उतना ही टाइम लग रहा है 25% कंप्लीट होने में, यानी दोनों जगह टाइम क्या है, सेम है, परसेंटेज अलग अलग है। टेम्परेचर बढ़ाए हैं तो ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ाने से रेट भी बढ़ेगा, तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको दो केस में बांट के बनाते हैं, केस वन फॉर 10% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन 10% कंप्लीट हो रहा तब, परसेंटेज वाला केस हम लोग बहुत बार बनाए हैं। कैसे बनाते हैं, ए को मान लेते हैं हम लोग 100, एक्स को मान लिया हम लोग 10, ए माइनस एक्स हो गया हम लोगों का 90, क्योंकि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है इसलिए के का एक्सप्रेशन हम लोग क्या लिखेंगे, 2.303 बाई टी लॉग ए बाई ए माइनस एक्स, ये फॉर्मूला है, ठीक है जी, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला है। इस पे हम लोग पुट करेंगे तो के इज इक्वल टू 2.303, टी कितना परसेंट, 10% लॉग ए के जगह 100, ए माइनस एक्स के जगह 90, ये कैंसिल हो गया। इसको के वन हम कर ले रहे हैं 298 केल्विन पे, इसलिए कम टेम्परेचर वाला को के वन, 2.303 टी 10% लॉग 10/9 है, तो कैसा हो जाएगा, लॉग 10 माइनस लॉग 9, के वन इक्वल टू 2.303 टी 10% लॉग 1 का, 10 का वैल्यू 1, 0.K1 = 2.303 by t 10%। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 में से आपने घटा लिया 9542, 10 में से 2 गया 8, है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5408, ये आ गया K1, ठीक है, लिख लीजिए इसको। चलिए केस टू जो है 25% कंप्लीशन के लिए, तो उसमें जहां पर x को हम लोग 10% रखे थे केस वन में, केस टू में कर दिए 25, तो a माइनस एक्स हो गया 75, तो उसी फॉर्मूला पे एडजस्ट करके हम लोग सॉल्व कर दिए, यहाँ 100 बाई 75 हो जाएगा,
लॉग फोर माइनस लॉग थ्री, लॉग फोर का वैल्यू लॉग थ्री का वैल्यू, ये घटा के आ गया है 0.1249। तो ये हम लोग के पास आ गया के टू एंड के वन, इसको हम लोग इक्वेशन कर लिए टू, ठीक है जी। नाउ इक्वेशन टू डिवाइडेड बाय इक्वेशन वन वी गेट, क्या मिलेगा हम लोग को? इक्वेशन टू है, क्या है इक्वेशन टू? के टू बाय के वन विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा 2.303 इंटू 0.1429 बाय टी 25%। ये अभी हम के टू का वैल्यू लिखे हैं, के वन का वैल्यू में क्या लिखेंगे? 2.303 इंटू 0.0458 बाय टी 10%, ठीक है। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया, के टू बाई के वन विल बी इक्वल टू, ये टी 25%, टी 10% भी कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा? क्योंकि दोनों के लिए टाइम इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम लोग के पास बचेगा क्या? 0.1249 बाय 0.0458। तो के टू बाई के वन इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2.7, ये के टू बाई के वन आ गया। पहले आप इतना लिख लो, चलिए। तो के टू और के वन का रेशियो निकालने के बाद अब हम लोग चलते हैं आर्हेनियस इक्वेशन से। फ्रॉम आर्हेनियस इक्वेशन, क्या है आर्हेनियस इक्वेशन में? लॉग के टू बाई के वन इक्वल टू ए बाई 2.303 r t2 माइनस t1 इंटू t1 इंटू t2, ये फॉर्मूला है। log k2 by k1 के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे? 2.7 इक्वल टू ea by 2.303 r का वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, टी टू का वैल्यू 308 माइनस 298 बाई 308 इंटू 298 लॉग 2.7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 27 बाई 10। थोड़ा इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको आप देखिए लॉग 27 माइनस लॉग 10 इक्वल टू वही लॉग 27 को क्या लिखेंगे? लॉग 3 का पावर क्यूब लॉग 10 इक्वल टू वही, फिर इसको क्या लिख देंगे? 3 लॉग 3 माइनस लॉग 10 इक्वल टू उधर वही 3 के जगह 3, लॉग 3 का वैल्यू 0.4771 माइनस 1 इज इक्वल टू उधर उतना, यह आ गया 3 को इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 का हो गया 3 माइनस 1 इक्वल टू इतना, यानी हम लोग को क्या आ जाएगा? 0.4313 इज इक्वल टू ईए अपने जगह पे है बाय, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 19.14। ये बार बार आता है तो आपको न्यूमेरिकल बनाते बनाते याद हो जाता है। ये है 308 इंटू 298 और इंटू यहाँ पे है 10, तो यहाँ पे आप ये निकाल लेंगे, ये बराबर क्या हो जाएगा? सबको मल्टीप्लाई कर देगा 4313 इंटू 10, तो ये आ गया आपको
ईए का वैल्यू जो भी सॉल्व करके आएगा जूल पर मोल, तो ये ईए निकला। लेकिन क्वेश्चन में और कुछ हम लोग को निकालना है क्या? ये तो ये आ गया अभी। अब ये का वैल्यू यहाँ पे जितना आ जाए सॉल्व कर लीजिए। फिर देखिए हम लोग को क्या पूछ रहा है। अभी तुम लोग ये निकाल लिए, अब कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के एट 308 केल्विन। तो फिर आ रहे हैं इस इक्वेशन को यूज करेंगे हम लोग। एक इसका फॉर्म ये भी होता है, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ए बाई 2.303 RT, ये भी तो होता है ना। तो अब यहाँ पे log के, यही के निकालना है, इक्वल टू log a, a का वैल्यू दिया हुआ है माइनस ea की जगह जो वैल्यू यहाँ पर आएगा x बाई 2.303 R का वैल्यू 8.314 T हम लोग रख देंगे 308। और हम लोग को ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 4 × 10⁻¹⁰, 4 × 10⁻¹⁰। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4 log 10⁻¹⁰ माइनस, आप इधर ही सॉल्व कर लो जो आएगा, या लेके भी चलना है तो लेके भी चलो। यहाँ पे आ गया लॉग 4 का वैल्यू 0.6020 प्लस 10, 10 लॉग 10 होगा माइनस, इधर जो है वो तो रहेगा ही 0.6020 प्लस 10 और इंटू लॉग 10 का वैल्यू 1 माइनस एक्स बाई जो ये सब है वो रहेगा ही। मैं इसको बता चुका हूँ पहले भी, 19.14 लिखते हैं इंटू 308 केल्विन। अब सारा का सारा डिजिट है ये, एक्स आपको एक्टिवेशन एनर्जी उधर आया है वो लिखना है, तो ये सब सॉल्व करके कुछ तो डिजिट आएगा ना। मान लो वाई आ गया, कुछ तो आएगा डिजिट सॉल्व करके। तो लॉग के इजकल टू वाई, तो के इजकल टू 10⁻¹⁰ या जिसको एंटी लॉग भी बोलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा लंबा है, इसको सॉल्व कीजिए और जो भी आंसर आता है उसको कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, तभी तो पता चलेगा। चलो बाय।